योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को हाथरस पहुंचे। योगी हेलीकॉप्टर से हाथरस के स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम गाड़ी में सवार होकर हतीसा स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों को पुस्तक व बैग वितरित किए। पुस्तक वितरण के बाद सीएम जिला बगला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बगला इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए व तालाब चौराहे के ओवरब्रिज के शिलान्यास के साथ विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके बाद सीएम ने बंगला इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही योजनाओं का समाधान हो गया, कुछ का समाधान होना बाकी है। उन्होंने कहा, मेरा यह मानना है कि सरकारें समस्या पैदा करने के लिए नहीं होती, स्थानीय समस्याओं का समाधान होना चाहिए। योगी ने कहा कि हर जिले की अपनी एक पहचान होती है। हाथरस जिले की पहचान स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर जहां महाराज महेंद्र प्रताप ने जनपद हाथरस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं आधुनिक कल खंड में काका हाथरसी ने इस जनपद का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री नेता यहां के माध्यम से उद्यमियों ने भी हाथरस का नाम रोशन किया। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, स्केच न्यूज़।